हेलो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप अपने स्मार्ट टीवी को कैसे फास्ट कर सकते हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है। इसके लिए हमें सेटिंग्स पे जाना है। अब मैं सेटिंग्स के आइकन पे आ गई हूँ। अब मैं ओके प्रेस करती हूँ। गाइस, हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन है डिवाइस प्रेफरेंसेस का, हमें उस पे जाना है। सबसे ऊपर आप अबाउट का ऑप्शन देख सकते हैं, हमें उस पर क्लिक करना है। मैं अबाउट में आ चुकी हूँ। यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमें सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे जाना है। सबसे नीचे हमारे पास ऑप्शन है एंड्रॉयड टीवी ओएस बिल्ड का, हमें उस पर जाना है और कई बार इस पर क्लिक करना है जब तक डेवलपर ऑप्शन इनेबल ना हो जाए। गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर शो कर रहा है यू आर नाउ अ डेवलपर। अब हमें बैक करना है। इसके बाद हमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाना है। वहाँ पर हमें डेवलपर ऑप्शन मिलेगा, आप देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करती हूँ। अब हमें नीचे की तरफ फिर से जाना है। वहाँ पे हमें ड्राइंग का ऑप्शन मिलेगा, हम ड्राइंग सेक्शन पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल देख सकते हैं। इन तीनों पे अभी एनिमेशन स्केल 1x सेट है, हमें इन तीनों पे क्लिक करके एनिमेशन ऑफ कर देना है। आपको भी इस तरीके से एनिमेशन ऑफ करना है। तो हमने तीनों पे एनिमेशन ऑफ कर दिया है। इसके बाद हमें स्क्रॉल करके फिर से नीचे जाना है। यहाँ पे हमें एक ऐप का सेक्शन मिलता है, हमें बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पे क्लिक करना है और हमें यहाँ पे नो बैकग्राउंड प्रोसेस सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है डोंट कीप एक्टिविटीज़ का, हमें इसको भी इनेबल करना है, तो हमने इसको भी इनेबल कर दिया है। इन सेटिंग्स के बाद आप पाएंगे कि आपका टीवी फास्ट हो चुका है। होपफुली आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो गाइज, इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।